राजधानी रायपुर में चावल घोटाले को लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि भाजपा विधायक राजेश मूणत ने अपने बयान में कहा कि चावल घोटाला काफी दिनों से चर्चा में है, विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठा, साथ ही विधायकों की समिति भी बनी। अब किन किन तथ्यों पर कैसे जांच होगी, इसके बाद ही उन बयानों पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ही विधानसभा में निर्णय लिया जाएगा। वहीं मतगणना की तैयारी को लेकर मूणत ने बताया कि कहीं छोटी मोटी चूक ना हो जाए जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो। हम अनुभव ले चुके हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को जागरूक करना, पोलिंग एजेंट को जागरूक करना है। बढ़ती गर्मी और पानी की समस्या को लेकर मूणत ने अपना बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोगों को इसका एहसास भी हो रहा है, इसलिए हर चीज सरकार पर निर्भर नहीं करता, आम जनता पर भी शहर के लिए जिम्मेदारी बनती है। देखिए, चावल घोटाला कई दिनों से चर्चित है, विधानसभा में भी उठा, अब उसकी एक विधानसभा स्तरीय समिति बनी है विधायकों की, उसके चेयरमैन माननीय पूर्णराम मोहले जी हैं। अब वो किन किन तथ्यों पर क्या क्या चीज होगी और कैसे क्या हुआ, इसकी विवेचना होगी, और विवेचना होने के बाद में उनके बयान होंगे, बातचीत होगी, जो भी तथ्य निकल कर के आएंगे उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी और उसका निर्णय फिर विधानसभा तय करेगी। ये सामान्यतः कमेटी है, कमेटी के सामने पक्ष विपक्ष दोनों बातें रखी जाएगी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, रिपोर्ट के बाद में जो भी निर्णय होगा वो शासन स्तर पर और विधानसभा समिति का। पोलिंग एजेंट के साथ में मतगणना एजेंट को जागरूक करना, वहाँ के आर ओ को जागरूक करना, वो किन किन चीज़ों के लिए उनको तैयार रहना चाहिए उसका प्रशिक्षण, और ये योजना भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकसभा स्तर से विधानसभा तक इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए पार्टी ने टीम बनाई है। वह लगातार हमारे जो कार्यकर्ता जो गणना के एजेंट के रूप में जाके बैठेंगे, उनको प्रशिक्षित भी करेंगे और उनको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ को चेक करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि मतगणना व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित हो सके।